हेलो दोस्तों, मैं हूं मुकेश यादव। एसपीएल स्टडी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का टॉपिक है हमारा आज संबंधी प्रश्न। दोस्तों, वैसे मैं एक पार्ट इसका पहले बना चुका हूं, आज ये दूसरा पार्ट है, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल है, एक साल पहले राम और श्याम की आयु का अनुपात 4:3 था, एक वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 5:4 हो जाएगा, दोनों की वर्तमान आयु का योग क्या होगा। पहला सवाल है दोस्तों, इस टाइप के सवाल आते हैं अक्सर एग्जाम में, तो चलिए शुरू करते हैं। ये पहला सवाल तो ये कह रहा है, एक साल पहले राम और श्याम की आयु का अनुपात 4:3 था। तो दोस्तों, इसमें हम पहला सवाल यहाँ पे हल करते हैं, यानी ये 4:1 था और एक 3:1 था, इसको x मान लेते हैं, इसको भी x मान लेते हैं, 4x और 3x। जब हम बट्टे करेंगे इसके तो ये x कट जाएगा, हमारा 4:3 रह जाएगा। ये कब का है दोस्तों? एक साल पहले का है, एक साल पहले का है। अब वर्तमान में लाएंगे इसको, तब हम इसमें एक प्लस कर देंगे, इसमें भी एक प्लस कर देंगे, ये वर्तमान का हो गया। अब इसके बाद कह रहा है एक वर्ष बाद, इसके एक वर्ष बाद, और तो एक और प्लस हो जाएगा इसके एक वर्ष बाद, इसमें एक और प्लस कर दीजिए, इसमें भी एक और प्लस कर दीजिए। अब ये हो गया एक साल बाद का अनुपात। अब एक साल बाद का अनुपात कितना हो जाता है? 5:4। तो ये हो जाता है 5:4, 5:4 हो गया। इसका कैंची का गुणा कर देते हैं तो ये को क्या क्या हो गया, ये 16x, और एक और एक दो हो गए, 4 × 2 = 8 हो गए, ये 8 बराबर, इसका गुणा इसमें कर दीजिए 15x, और ये 2 × 5 = 10, ये 10 आ गया। अब 15 को इधर लेके आएंगे तो ये माइनस के हो जाएंगे 15, तो 15 इसमें से घट जाएंगे तो क्या बचेगा यहाँ x, और ये 8 इधर पहुंच जाएंगे तो उधर जाके माइनस के हो जाएंगे, तो 10 में से 8 घटेंगे तो क्या बचेगा 2, x बराबर आ गया 2। अब वो कह रहा है ये आ गया हमारा x, तो दोनों की वर्तमान आयु का योग क्या होगा। वर्तमान आयु हमारी कितनी थी? यहां तक थी, ये यहां तक वर्तमान थी, हमने एक प्लस किया था जब वर्तमान नहीं थे, तो वर्तमान आयु निकाल देंगे इससे, तो इसकी पहले की होगी 4x वाले की 4 × 2 + 1, और इसकी हो गई प्लस करना है, योग पूछ रहा है, तो 2 × 3 = 6, यानी 2 × 3 = 2, इसमें लेंगे जिसकी वर्तमान यहाँ तक है, प्लस 1, ये हो गया। अब 4 × 2 = 8, 8 और 1 = 9 हो गए, 9 प्लस, और जो 3 × 2 = 6 और 1 = 7, इनका योग कितना हो गया? 16। दोस्तों 16 वर्ष आ गया इसका आंसर। अब ऑप्शन देखेंगे कौन सा ऑप्शन सही है, हमारा बी ऑप्शन सही है। तो इस तरह के सवाल आते हैं। अगला सवाल लेते हैं। अब पुत्र और पिता की आयु का अनुपात 1:4 है, उनकी आयु का गुणनफल 196 है, तो इन अनुपातों को लिख लेंगे हम। एक एक्स है, एक की जगह पे एक एक्स आ गया, ये गुणा, ये 4x है, 4 है तो 4x कर लिया। कह रहा है इनकी आयु का गुणनफल 196, इन दोनों का गुणा कर दिया तो कितना हो गया ये 196। अब इनका गुणा करा तो ये हो गया 4x² = 196। अब 4 से इसको काट दो तो कितना हो गया ये 4 × 4 = 16, और 3 बच गए, 4 × 9 = 36, तो x² = आ गया जी हमारा, x² = 49, तो x बराबर कितना आया 7, x = 7 आ गया। अब कह रहा है ये 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा, तो इसकी आयु वर्तमान आयु कितनी होगी 7, और इसकी कितनी होगी 7 × 28, इसमें हमारी जो वर्तमान आयु थी इसमें हमने 7 का गुणा कर दिया x के ऊपर। अब कह रहा है कि कितने 5 वर्ष बाद, 5 इसमें जोड़ दो और 5 इसमें जोड़ दो, तो कितना हो गया दोस्तों ये 7 × 5 = 12 है,
और ये कितना हो गया 28 5 33, 3 से काट देंगे इसको, 3 चौक 12 है और ये 11 बार कट गया, अनुपात आ गया हमारा 4 अनुपात 11। देखेंगे ऑप्शन कौन सा सही है, 4 अनुपात 11 बी ऑप्शन सही है हमारा। अब आता है हमारा अगला सवाल, सीता और गीता की आय का अनुपात 5:3 है, उनकी आय का योग 80 है, तो 10 साल बाद उनकी आय का अनुपात क्या होगा। तो सीता और गीता की आय का अनुपात कितना है, 5:3, यानी 5 अनुपात को 5x लिख लिया हमने और 3 अनुपात को 3x लिख लिया। ये दूसरा सवाल हो गया था, ये तीसरा हो रहा है, 3x हो गया, उनकी आय का योग है 80, ये योग कर दिया हमने तो कितना हो गया 80, तो कितने हो गए ये 8x बराबर हो गया कितना 80, 8 से काट दिया इसको कितना आया 10, तो x बराबर आया हमारा 10। अब पहले क्या है सीता, यानी 5x सीता है, सीता की कितनी होगी उम्र, ये हो गई 50, 10 5 50 हो गई, ये 10 30 हो गई, 30 हो गई दूसरी वाले की। अब कह रहा 10 साल बाद इनकी आय का अनुपात क्या होगा, 10 10 जोड़ दो इसमें, ये अनुपात लगा दिया हमने 10 10 इसमें जोड़ दिया तो कितना हो गया ये 60 और ये कितना हो गया 40, 20 का भाग दे दो इसमें, 20 30 60 और 20 30 40, यानी ये आ गया 3:2। तो दोस्तों ये आंसर आ गया इसका 3:2, देखेंगे कौन सा है, ए ऑप्शन सही है हमारा, ए ऑप्शन हो गया सही। अगला सवाल लेते हैं, बी से ए 20 वर्ष बड़ा है, बी से ए 20 वर्ष बड़ा है, ए की आय बी की आयु से 6 गुनी है, तो ए तथा बी की आय बताओ। अब कह रहा बी 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 से ए 20 वर्ष बड़ा है, ए की आय बी की आयु से 6 गुनी है, ए की आयु 6 गुनी है, यानी 6x ए है और दूसरा है x, दूसरा x है। अब ये 6x इसे x के इससे 20 बड़ा है, यानी बी से ए, ये बी वाला है ये ए वाला है, ये बी से ए 20 बड़ा है, यानी 20 बड़ा है, कितना बड़ा है? अंतर इन दोनों की उम्र में अंतर हो गया 20, तो निकाल देंगे कितना आ गया ये 5x बराबर 20, तो 5 से काट दिया इसको कितना आ गया 4, तो x बराबर आया हमारा 4। अब इसकी उम्र निकाल देंगे 4 6 24, इसकी 24 हो गई और इसकी 4 हो गई। अब पूछ रहा है इनकी आय बताओ, तो कितनी हो गई 24 और 4, तो 24 और 4 ऑप्शन देखेंगे तो हमारा ए ऑप्शन सही है, इसका आंसर आ गया। अगला सवाल लेते हैं, पिता की आय अपने पुत्र की आय की 4 गुनी है, 5 वर्ष पूर्व अपने पुत्र की आय का 9 गुना था, पिता अपने पुत्र की आय का 9 गुना था, तो पिता की आय क्या है, तो यह कितना अनुपात है इसका, पिता की आय अपने पुत्र की आय की 4 गुनी है, ये पिता की आय होगी 4x और पुत्र हो गया 4x, ये 4 गुना हो गया, ये पुत्र हो गया, ये पिता हो गया, पिता की 4x 4 गुनी हो गई। अब कह रहा है 5 वर्ष पूर्व अपने पुत्र की आय का 9 गुना था, 5 वर्ष 5 5 वर्ष घटा देंगे दोनों में से, ये हो गया, ये 5 वर्ष पहले का आ गया। अभी कह रहा है कि पिता ये 9 गुना है इससे 9 गुना है ये, तो अब हम बराबर करेंगे, तो ये जितना गुना ये है इतना गुना इसमें कर देंगे, 9 गुना कर दिया हमने इसको, तो क्या हो गया 4x-5 = 9x - 45। तो दोस्तों 4x को इधर ले जाएंगे हम, तो 9 में से 4 घट जाएंगे तो कितने बचेंगे 5x, और 45 इधर लेके आएंगे तो प्लस के हो जाएंगे, 45 में तो 5 घटा देंगे तो कितना बचा 40, 5 से काट देंगे इसको कितना आया 8। अब कह रहा है पिता की उम्र बताओ, पिता की उम्र क्या थी हमारी, इसमें गुणा कर देंगे हम तो पिता की उम्र निकल के आ जाएगी, केवल कितनी थी 4x तक थी, हम 5 वर्ष पहले 5 माइनस इसलिए किया था 5 वर्ष पहले का अनुपात दिया था उसने,
इसलिए हम 4x में गुणा करेंगे, 8 चौक 32, यानी 4 गुणा 8 बराबर हो गया 32। ये 4 गुणा 8 बराबर 32, 32 आंसर आ गया दोस्तों, पिता की उम्र निकली 32। अब ऑप्शन देखेंगे कौन सा सही है, बी ऑप्शन सही है हमारा, तो बी ऑप्शन सही हो गया। तो दोस्तों ये रहे हमारे आज के उम्र आयु संबंधित प्रश्न। आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस वीडियो से आने वाले एग्जाम में फायदा उठाएं। इससे समय भी कम लगेगा और आपके आंसर भी सही हो जाएंगे। और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसके बेल आइकन को दबा लें जिससे हमारी अगली पढ़ने वाली वीडियो आपको तुरंत मिले। इसी के साथ जय हिंद।